और फिर जैसे संकल्प, फिर हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर दोनों ब्रेन का कंट्रोल है, आत्मा इसके अंदर बैठी है, और हर विचार के लिए केमिकल बनता है हमारा हाइपोथैलेमस, हर विचार के लिए, हर भावना के लिए बनता है, और वो नेगेटिव केमिकल बनता है एक सेकंड से भी कम समय में हमारे शरीर में 80,000 कोशिकाएं और उन पे उतर जाते हैं, वो केमिकल यहाँ बन करके एक सेकंड से भी कम समय में साक्षी में फैल जाते हैं, और हमारे सेल के रिसेप्टर उस होते हैं, और वो सेल्स पे असर करते हैं, फिर सेल्स में बीमारी शुरू, डायबिटीज हो गई, कड़वाहट मन में हुई तो डायबिटीज हो गई, हार्ट प्यार कम हो गया तो हार्ट की बीमारी हो गई, खुशी कम हुई तो पेट की बीमारी हो गई, शांति खत्म हो, चिंता ज्यादा हो गई तो फेफड़े की बीमारी, सांस में दिक्कत हो गई, शक्तियां कम हो गई तो हड्डियों हड्डियों में हड्डियों में खराबी आनी शुरू हो गई, आनंद खत्म हो गया तो सेंसिटिविटी हो गई, आनंद खत्म हो गया थायराइड की बीमारी हो गई, तो इस तरह से हमारे शरीर में भिन्न भिन्न बीमारियां, तो हमारा संसार रोगों का संसार बन जाता है, भोगों का काम भोगों का संसार बन जाता है, और हमारे घर का वातावरण वैसे बन जाता है, संसार बाहरी संसार बदल गया नहीं बदल गया, हमारा अंदर के संसार से बाहर का संसार कनेक्शन, और फिर हमारे संस्कार जो कैसे कॉन्सिक्वेंस खुली है, हमारे अंदर के संसार के आधार के ऊपर ही हमारी कॉन्सिक्वेंस खुली, चित्त के आधार पर चिंतन, माना वो फाइल खुलती है नेगेटिव वाली फाइल। अब बाबा हमें क्या कहते हैं, ये तो हमें दुनिया की बात है।